नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निकल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा एस गोल्ड के बारे में, जिससे कि कंपनी ने ओब्ली टू में इसमें क्या क्या बदलाव किए हैं, हम आज आपके साथ पूरा इसके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों तो एंड तक आप हमारे साथ बना रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और पास लगी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर हर नई नई गाड़ी की अपडेट कुछ इस तरीके से हमेशा मिलती रहें दोस्तों। और यहाँ पर अगर इसकी की बात की जाए तो आपको कुछ इस तरह की डबल की मिलने वाली है, जो कि टाटा की हर मोटर के साथ मिलने वाली है दोस्तों। यहीं अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 7,15,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है राठी ऑटोमोबाइल्स ब्याह रोड अजमेर में। टाटा की किसी भी गाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए हो, गाड़ी परचेस करनी हो तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ इस तरह की नज़र आती है इसकी फ्रंट विंड स्क्रीन, डबल आपको इसमें वाइपर्स मिलने वाले हैं और डबल ही वॉशर जेट आपको इस पर देखने को मिलेंगे। और इससे जो पहले मॉडल आता था दोस्तों, उसके अंदर अब आपको जेट नहीं मिलते थे, लेकिन कंपनी अब इसमें जेट भी देना शुरू कर दिया है। इसकी बेजिंग आपको सामने देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बात करेंगे इसके हेडलाइट सेटअप से, तो आपको हाई बीम और लो बीम हेलोजन बल्ब मिलने वाला, नीचे मिल जाती है पार्किंग लैंप्स, ऊपर आपको इंडिकेटर मिलेगा हेलोजन बल्ब के साथ ही, ब्लैक कलर की ग्रिल, टाटा का लोगो सामने देखने को मिलेगा, नीचे मिल जाती है नंबर प्लेट की जगह। और यहीं अगर इसके बम्पर की बात की जाए तो ब्लैक कलर का बम्पर आपको मिलने वाला है। फोग लैंप्स के लिए कंपनी आपको जगह दे रही है, कंपनी फिटेड नहीं है, आफ्टर मार्केट भी आप इसमें लगवा सकते हैं, गोल्ड की बेजिंग। और ये बात करेंगे इसके सस्पेंशंस की, तो फ्रंट में आपको मिलेगा इसमें पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस फ्रंट में। और अब बात करेंगे इसके साइड प्रोफाइल से, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टायर से, तो 145R 12 इंच के टायर मिलने वाले हैं स्टील रिम के साथ। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। और अब बात करेंगे इसके आउटसाइड मिरर से, तो मैन्युअली इसके मिलते हैं आउटसाइड मिरर, जिससे कि ड्राइवर अपने पीछे साइड इसमें आसानी से कवर कर सकें। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, की से भी आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, साइट एंड इंडिकेटर। और नीचे मिल जाती है इसकी एयर फिल्टर बॉडी, और एयर फिल्टर बॉडी से सीधा जो पाइप निकल रहा था तो यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर तक कनेक्शन करा हुआ है, जिससे कि अगर गाड़ी पानी में डूब जाए आदि आदि तो भी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। रियर विंडो, और यहीं अगर इसके कार्गो स्पेस की बात की जाए तो आपको इसकी लंबाई मिलती है 7.2 फिट, चौड़ाई मिलती है 4.9 फिट, और हाइट मिलती है लगभग 1 फिट की। और आसान लोड्स के लिए आप देख सकते हैं इधर कंपनी इसमें हुक्स भी ऑफर कर रही हैं नीचे। और पीछे अगर की बात की जाए तो पीछे आपको उसमें ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा, और टायर के दोनों ओर प्लास्टिक का मडगार्ड लगा हुआ है, जिससे कि बरसात में अगर कीचड़ हो तो पूरी गाड़ी पे नहीं फैल सके। और अब बात कर लेंगे इसके पीछे की साइड से, तो इस तरह का नज़र आता है इसका रियर लुक। और अब बात कर लेते हैं इसके टेलीमिनट से, तो आपके यहाँ पर मिल जाते हैं स्टॉप लैम्प और इंडिकेटर लैम्प हेलोजन बल्ब के साथ, बीच में मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, और रिवर्स लैम्प आपको यहाँ पर मिलती है सिंगल। कुछ इस तरीके से आप इसका डाल ओपन करके अपना सामान आसानी से लोड कर सकते हैं। पीछे भी हुक्स मिल जाते हैं आपको इसमें, टाटा की ब्रांडिंग, रेड रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाती है नंबर प्लेट की जगह, यहीं पर आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। और यहीं बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, तो आपको यहाँ मिलता है सेमी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन आर रियर में। और ये लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे कि इधर इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है, यहाँ से अपना फ्यूल फिल करवा सकते हैं। फ्यूल टैंक क्षमता की बात की जाए तो 30 लीटर के कैपेसिटी में आपको यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, डीजल वेरियंट है दोस्तों ये। और यहाँ पर आप अपना एडब्ल्यू डलवा सकते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कि पहले कंपनी यहाँ पर एक बड़ा टाइप का डब्बा एडब्ल्यू का यहाँ बाहर की तरफ दिया करती थी, लेकिन कंपनी इसे अब अंदर की तरफ शिफ्ट कर चुकी हैं। और यहाँ पर अपना आप एडब्ल्यू यानी कि DEF फिल करवा सकते हैं। और यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि आप ना पानी डलवाएँ ना तेल डलवाएँ, सिर्फ DEF डलवाएँ कि डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल ही डलवाएँ दोस्तों। यहाँ मिल जाती है 12 वोल्ट की इसकी बैटरी, 750 के जी इसकी पेलोड क्षमता मिलती है। ग्रॉस वेट की बात की जाए तो 1670 के जी इसका ग्रॉस वेट है दोस्तों। कंपनी आपको इसमें 2 साल
वह 72,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही हैं और हर 10,000 किलोमीटर पर आप इसकी सर्विस करवा सकते हैं। और दोस्तों अब तक इंडिया में 23 लाख टाटा एक्स बिक चुके हैं। 22 किलोमीटर पर लीटर पर कंपनी इसका माइलेज का दावा करती हैं। और बात कर लेते हैं इसके डाइमेंशंस की, तो इसकी लंबाई मिलने वाली है 3,790 mm, चौड़ाई मिलने वाली है 1,500 mm और ऊंचाई मिलने वाली है 1,890 mm। यहीं अगर इसके व्हील बेस की बात की जाए तो 2100 mm का आपको यहाँ पर इसका व्हील बेस मिलने वाला है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 160 mm का आपको यहाँ पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलेगा इस टाटा एस गोल्ड डीजल वेरियंट का। और दोस्तों सिंगल प्लेट ड्राइव क्लच आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाला है। दोस्तों पहले कंपनी इसमें 4 गियर दिया करती थी, लेकिन कंपनी अब चेंज करके इसमें 5 गियर दे दिया है दोस्तों। और अब चलते हैं इसकी ड्राइवर केबिन में, यहाँ से ओपन करते हैं और दोस्तों साइड डोर ट्रिम देखेंगे तो ब्लैक कलर की साइड डोर ट्रिम मिलेगी। विंडो रेगुलेटर हैंडल, इनर हैंडल, लॉक एंड लॉक, ग्रैब हैंडल मजबूत पकड़ने के लिए यहाँ से इसे लॉक एंड लॉक आप आसानी से कर सकते हैं। सेटिंग की बात की जाए तो पहले से काफ़ी अच्छी इसकी सेटिंग कैपेसिटी कर दी है। हेडरेस्ट भी कंपनी देने लग गई है, पहले कंपनी नहीं दिया करती थी दोस्तों। डी और 1+D आती है ये, यहाँ से कुछ जरूर डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। पेडल्स, ये लेवलिंग कंट्रोल्स, और स्टीयरिंग की बात की जाए तो आपको 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है दोस्तों। पहले 2-स्पोक आता था, अब 3-स्पोक कर दिया है। जो भी टाटा की इंट्रा में आ रहा है दोस्तों वही स्टीयरिंग अब कंपनी ने डाल दिया है। हेलोनेट कंट्रोल्स इधर मिल जाते हैं, इसके वाइपर कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे इसके हेजार्ड की कंट्रोल्स, और कुछ इस तरह का बने नज़र आता है इसका डैशबोर्ड। 5 वोल्ट के चार्ज शॉकेट आपको यहाँ देखने मिलेगा और यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगवाने के लिए कंपनी आपको जगह दे रही है, कंपनी फिटेड नहीं, आप इसमें आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं दोस्तों। ये DFF रीजनरेशन के कंट्रोल्स, ये इसके पावर के कंट्रोल्स, ये छोटा सा ग्लो बॉक्स मिल जाता है लोकेबल, जिससे कि जरूर डॉक्यूमेंट्स कुछ सामान आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलेगा। ये साइड डोर ट्रिम और ये इसका मजबूत ग्रैब हैंडल मिल जाता है। को पैसेंजर साइड पे आपको इसमें हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट्स, रियर विंडो मिल जाती है जिससे कि ड्राइवर अपने पीछे कार्गो पे आसानी से निगाहें बनाए रख सकें। सनवाइजर की बात की जाए तो सिंगल ही सनवाइजर मिलता है, वो भी टिकट होल्डर के साथ में। ऊपर मिल जाती है इसकी केबिन लाइट हेलोजन बल्ब के साथ, और नॉर्मली मिलने वाला इसका IRVM, कोई भी डे नाइट फंक्शन नहीं मिलता इसमें। और यहाँ पर आपको गियर लेवर 9 मिल जाती हैं, ऊपर इसका सिलो फ्रिज देख सकते हैं, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, और इस तरह का मैनुअल मिलता है, पार्किंग ब्रेक्स, ये दोनों चीज़ें कंपनी चेंज कर चुकी है दोस्तों, थोड़ा बदलाव किया इसमें। और यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर एक छोटे बच्चे या फिर कोई इसको बैठा सकते हैं आप। यहाँ से करते हैं क्यों ना सामने देखेंगे इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अभी ऑडोमीटर में 0 किलोमीटर रनिंग दिखा रहा है। और यहाँ मिल जाता है इसका टेम्परेचर मीटर, इधर आपको मिल जाता है इसका फ्यूल गेज, और ऊपर आपको इसका AWDEF का गेज मिल जाता है। और यहाँ पर नीचे आप इसके मोड्स भी सेट कर सकते हैं, और भी कई सारी ओवरलिंग लैंप्स आपको इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। और एक बार पूरी केबिन का व्यू देख लीजिए, कुछ इस तरह का व्यू आता है पूरी केबिन का। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाला है 700 cc का नेचुरली स्प्रिटेड DI डीजल इंजन, जो 20 HP की पावर व 45 Nm का न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियरबॉक्स के साथ आता है। मैंने बताया था दोस्तों कि पहले 5 गियर आते थे, लेकिन कंपनी अब इसमें 6 गियर दे दिए हैं। और माइलेज को बता देता हूँ दोस्तों कि 22 किलोमीटर कंपनी इस माइलेज का दावा करती है इसमें। आप इसको उपयोग
सब्जी मंडी, इंडस्ट्री एरिया, लघु उद्योग, कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ऑल न्यू टाटा एस गोल्ड डीजल वेरिएंट OBD2? कमेंट जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर माई ऑल फ्रेंड्स।